Welcome to our YouTube channel Online Guruji. Since आप लोगों ने thumbnail को देखने के बाद इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि maths वो subject है जो कि आप लोगों को परेशान कर रहा है. वीडियो को end तक देखिए. वीडियो के end तक मैं आप लोगों के आप जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश पूरी तरीके से करूंगा. क्लियर? ओके. नाउ मैथ्स पे मेजर स्टूडेंट्स लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है. क्यों वो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्या वो लोग गलतियां कर रहे हैं और उन्हें एक्चुअल में क्या करना चाहिए, वो सब मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों कि जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन पे रहे और आप लोग जो भी एग्ज़ाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल के बच्चे भी हैं जो कि मैथ्स पे अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को जो मैथ्स से एक डर लगता है वो डर ख़त्म हो जाएगा. क्लियर? प्रॉब्लम क्या होती है? सी, अगर मैं किसी और सब्जेक्ट की बात करूं, से मैं साइंस की बात करूं, मैं जीके की बात करूं, मैं इंग्लिश की बात करूं, क्लियर, तो ये सारे ऐसे वीडियो है जिसे कि बच्चा क्या है वो बार बार पढ़ता है और एक तरीके से उस चीज़ को अगर वो समझता भी नहीं तो वो उसे क्या करता है, रट लेता है. बट मैथ्स ही ऐसा टॉपिक है जिसे कि आप लोग रट के कभी भी एग्जाम्स पे क्लियर नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि मैथ्स पे तो अब रट आप लोग सकते ही नहीं ना. इस पे तो नंबर्स चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चंस पूरा चेंज हो जाएगा, क्लियर, जो कि आप लोगों के इंग्लिश पे नहीं है. इंग्लिश पे तो अगर कोई वर्ड दिया है तो उसका मतलब चेंज नहीं होने वाला, ठीक है, बट मैथ्स पे ऐसा नहीं है. मैथ्स पे तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्लियर, तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है. आप लोगों ने मैथ्स को भी इंग्लिश की तरह रटना शुरू करोगे या हिस्ट्री की तरह रटना शुरू करोगे तो उससे आप लोगों के प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलेगा. क्लियर? बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं बच्चे लोग, क्या करते हैं. सी, अगर मैं कोई एक जीके का वीडियो देखता हूँ, से मैं कोई भी एक वीडियो देखता हूँ, मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर वीडियो देखता हूँ, अगर मैं उस वीडियो को 5 बार देख लेता हूँ तो एक तरीके से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मुझे क्लियर हो जाएगा, ठीक है. उससे एग्जाम्स पे अगर कोई क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उसे कर लूंगा. क्यों? क्योंकि वो मैंने 5 बार सुन लिया, वो मुझे रट गया है, ठीक है, उस पर कोई कंसेप्ट तो है नहीं, मुझे चीज़ें याद हो गई हैं तो मैं ऑब्वियस सी बात है उसे सॉल्व कर लूंगा. बट मैथ्स के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है. हम लोग क्या कर रहे हैं, सी, एक सेटिस्फेक्शन की बात होती है. मैंने से एक वीडियो देखा, मैं से परसेंटेज पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक वीडियो देखा, ठीक है, मुझे अच्छा लगा, उसके बाद मैंने दूसरा वीडियो देखा, मुझे वो भी अच्छा लगा. तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि हम लोग बार बार वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस देखते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हाँ परसेंटेज सिंपल है, मैं इसे कर सकता हूँ, क्लियर, बट कर क्या नहीं रहे हो आप लोग. बेसिकली आप लोग प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, बार बार वीडियोस को देख रहे हो, सेम क्वेश्चंस को देख रहे हो, बट आप लोगों ने खुद से कोई नए क्वेश्चंस पे सेम कॉन्सेप्ट्स को यूज नहीं किया, ठीक है, आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की क्वेश्चंस की. तो जब एग्जाम्स पे जाओगे, सी, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे जिसके कि मैं लेक्चर्स देख कर अगर एग्जाम्स पे बैठूं तो वहां पर एक भी क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व नहीं होगा. आप लोगों को प्रैक्टिस मैथ्स के लिए करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना. ओके. अब बच्चे लोग क्या है, बच्चे लोग मतलब कि जैसे बेसिक से किसी भी चीज को सीखने के लिए तैयार नहीं है. पहली बात, हर कोई भाग रहा है, हर किसी को चाहिए कि कोई फंडा बता दे, कोई शॉर्टकट ट्रिक्स हो जिससे कि ये सारा चैप्टर सॉल्व हो जाए, ठीक है. अब मैथ्स इतना भी आसान नहीं है कि मैं या कोई मेरी जगह कोई और भी आप लोगों को कोई फंडा बताए या कोई ऐसा ट्रिक मैजिकल फार्मूला बता दे कि आप लोग सारे मैथ्स के क्वेश्चंस कर पाओ, ठीक है, इतना आसान भी नहीं है मैथ्स, ठीक है. आप लोगों को अगर मैथ्स को एक्चुअल में सीखना है और मैथ्स का जो फोबिया है उसे अपने दिल से हटाना है
तो आप लोगों को स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी बेसिक से, क्लियर? जिन लोगों का मैथ्स, ऑब्वियस सी बात है वही लोग इस लेक्चर को सुन रहे होंगे जिन्हें मैथ्स पे प्रॉब्लम है। तो सी, आप लोगों को स्टार्ट करना है एकदम बेसिक से, ठीक है? फंडा और ट्रिक्स ये सब बाद की बात होती है, ठीक है? जब मेरे एक बार बेसिक क्लियर्स हो जाएंगे, ठीक है, मुझे हर टॉपिक के बेसिक सी क्वेश्चंस भी एक तरीके से इंटरलिंक होते हैं। जो अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो उस पे एलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स भी यूज़ होंगे, ठीक है, उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के भी कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, उस पे ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, एक तरीके से इंटरलिंक्ड होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले क्या है, मुझे सबसे पहले एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, मतलब जो मेरा बेसिक कंसेप्ट है वो कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। रटना नहीं है चीज़ों को, मुझे पता होना चाहिए। सपोज कोई एक फॉर्मूला है तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर यही फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव्ड होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला आया कैसे था, क्लियर? वो सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तभी एक्चुअल में एकदम जब बेसिक क्लियर होंगे ना, तभी टॉपिक पे आप लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। और जब टॉपिक पे आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है ना किसी भी चीज में, तो वो चीज फिर आसान हो जाती है, क्लियर? एक्चुअल में क्या है, हम लोग मोस्ट जो मैंने देखा बच्चे लोगों में यही प्रॉब्लम है कि वो लोग बस फंडा और ट्रिक्स के पीछे भागते रहते हैं, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट मेहनत करने के लिए कोई रेडी नहीं है, बस कट एंड ड्राइड मिल जाए, कुछ ऐसा मतलब जादू मंत्र मिल जाए, बस मैं वो लगाऊं और बस हर क्वेश्चन पे सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को अपने बेसिक्स पे काम करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ट्रिग्नोमेट्री है, एलजेब्रा है, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, आप लोगों को अपने बेसिक्स के ऊपर सबसे पहले काम करना है, ठीक है। कर क्या सकते हैं आप लोग बेसिक को इम्प्रूव करने के लिए, सी आप लोग एनसीईआरटी के बुक को सॉल्व कर लो, ठीक है। सपोज मुझे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ना है, क्लियर, ओके। अब मैं चैप्टर को पढ़ने से पहले सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट को एनसीईआरटी के बुक से तो सॉल्व कर लूँ कि एटलीस्ट जो बेसिक स्कूल लेवल पे जो नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट मुझे वो नॉलेज है कि नहीं है। अगर बेसिक स्कूल लेवल तक की ही नॉलेज नहीं है, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाता हूं, तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लूंगा, समझ रहे हो ना? मुझे तो स्कूल लेवल तक के ही मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को सबसे पहले अपना बेसिक को स्ट्रांग बनाना है। सी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस एनसीईआरटी पे जो है उसे आप लोगों को, क्यों? क्योंकि आप लोग वो सारे क्लास क्लियर करके ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के लिए बैठ रहे हो ना। इसका मतलब आप लोगों ने 6, 7, 8, 9, 10th क्लास को पास किया है, तभी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिख रहे हो। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या कोई भी चैप्टर की बात करूँ, XYZ, आप लोग उसे पढ़ के आए हो। वो सारे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने बचपन में सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन को अगर सेम मुझे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, तो अगर एक बार मैं एनसीईआरटी खोल के चेक तो कर लो पहले कि आप लोगों को आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं होंगे तो आप लोग आगे कैसे बढ़ सकते हो, क्लियर? तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग कर लो। स्कूल लेवल पे आईसीएससी के बुक्स बहुत अच्छे होते हैं, सीबीएसई पे एनसीईआरटी के बुक, एनसीईआरटी बुक्स बहुत अच्छी है, वहां से आप लोग एक बार बेसिक तो सीख लो। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को एनसीईआरटी से सॉल्व करने में मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे लग जाएंगे, ठीक है, उससे। बट मुझे यह पता चल जाएगा कि मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं, क्लियर? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करो, बेस को स्ट्रांग करो, तभी आप लोग, कहते हैं ना जैसे बेस जितना स्ट्रांग होगा तो जो आप लोगों की बिल्डिंग है वो उतनी ऊपर तक जाती है, ठीक है। वही बात यहां पर भी है, बेस स्ट्रांग है तो आप लोग काफी ऊपर तक पहुंच जाओगे, और काफी ऊपर तक पहुंचने का मतलब है कि आप लोग एग्जाम्स को क्लियर कर लोगे, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम थी जो मैं देखता हूं जनरली सभी लोगों में होता है। सेकेंड चीज क्या होती है, लोग क्या करते हैं, लोग बुक्स के पीछे बहुत भागते हैं, ठीक है।
एक बुक कंप्लीट किया नहीं है, ठीक है। सपोज आर एस अग्रवाल से स्टार्ट करते हैं, तो फ्रेंड लोगों में आपस में बात होगी, वो बोलेगा कि यार आर एस अग्रवाल ये तो मतलब इतना सही नहीं है, मैं इस बुक से पढ़ रहा हूँ उसे, वो बोल देगा मैं तो किरण के बुक से पढ़ रहा हूँ, वो बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। घर जाओगे बोलोगे यार आर एस अग्रवाल मैं कहाँ इस बुक से पढ़ रहा हूँ, मैं भी किरण के बुक से पढ़ता हूँ, ठीक है। तो एक ये फ्लक्चुएटिंग वाली एक टेंडेंसी होती है कि आप लोग दूसरों की बात सुनोगे और उस हिसाब से खुद को फ्लक्चुएट करते रहोगे। कोई बोलेगा यार कहाँ तू फिर किरण से पढ़ रहा है, या मैं तो पढ़ता हूँ सर्वेश कुमार से, ठीक है। दूसरा आके बोलेगा नहीं नहीं मैं तो अरुण शर्मा की बुक से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं तो कैट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होते हैं, बच्चे लोग भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ठीक है। स्टार्ट स्टार्ट तो किया था सही जगह से, बट क्या करते हैं फ्लक्चुएट करते रहते हैं, बुक्स ही चेंज करते रहते हैं, ठीक है। सी बुक्स चेंज करने से फायदा कुछ नहीं है, एटलीस्ट एक बुक पकड़ लो, कोई भी एक बुक पकड़ोगे, ऑब्वियस ही बात है किसी भी राइटर ने अगर बुक लिखा है तो ऑब्वियस ही बात है उसे अच्छी नॉलेज होगी सब्जेक्ट की, तभी तो उसने बुक लिखा है, कोई ऐसी हवा में तो बुक लिख नहीं देगा। और जो आप लोगों के पब्लिशर्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस है, ठीक है, ये ऐसी किसी की भी बुक उठा के थोड़ी पब्लिश कर देंगे, ठीक है। उस बंदे को नॉलेज होगी तभी तो उसका बुक पब्लिश हो रखा है और मार्केट में चल रहा है, ठीक है। तो फ्लक्चुएट नहीं करना है खुद के दिमाग को कि आज ये बुक उठा लेता हूँ, आज ये बुक उठा लेता हूँ, आज ये बुक उठा लेता हूँ, ऐसे नहीं करना। हाँ बुक चेंज करो, मैं नहीं बोलता कि बुक चेंज नहीं करना है, बट एटलीस्ट पहले उस बुक को ख़त्म तो करो, ठीक है। आप लोग सी मैथ्स के लिए आप लोग दो बुक हमेशा प्रेफर करो, ठीक है। पहले पहले बुक ए को ख़त्म करो, बुक ए थोड़ा मतलब इजी लेवल का रखो, और बुक जो टू है वो थोड़ा सा हाई स्केल तक के बुक्स आप लोग यूज करो। पहले बुक वन को मैंने कंप्लीट करा, ठीक है। बुक वन को जब कंप्लीट कर रहे हो तभी बुक टू पे जाओ, क्लियर। ये नहीं है कि बुक वन आधा करा, नहीं नहीं इसके क्वेश्चन से ईजी है, और फिर बुक टू में चले गए। एक्चुअल में अगर बुक वन पे 200 क्वेश्चन है ना, तो शुरू के 100 क्वेश्चन तो ईजी होते हैं, और लास्ट के ही 100 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम लोगों की टेंडेंसी क्या होती है, हमेशा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से, क्वेश्चन नंबर 100 तक पहुंचते हैं, तब तक बोर हो जाते हैं, और उसके बाद 100 से 200 वाला कभी प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। सी जब भी आप लोग प्रैक्टिस करो तो कैसे करना चाहिए आप लोगों को, से मैं बुक ए मैंने स्टार्ट किया, तो बुक ए को मैंने पहली बार जब पढ़ा तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक पूरा कंप्लीट किया। अब जब सेकंड टाइम मुझे इस बुक को पढ़ना है तो मैंने क्या करना है, इस बुक को क्योंकि अब मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, मुझे क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक नॉलेज मेरी क्लियर हो चुकी है, तो अब मैंने बुक को बैक साइड से स्टार्ट करना है। कभी भी रिविजन्स करो, स्पेशली मैथ्स पे, तो बुक को हमेशा रिविजन के टाइम पे बैक साइड से स्टार्ट करना आप लोगों को बहुत फायदा होगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जनरली बुक के बैक साइड्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फ्रंट पे तो इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो भी इजी मतलब बेस बना रहा होता है फ्रंट पे आपका, वो धीरे 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 करके क्वेश्चंस के लेवल को टिपिकल करता जाता है, और जब तक हम लोग लास्ट पे पहुंचते हैं तो वहां पर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं इन जनरल स्टैंडर्ड बुक्स पे। तो इसीलिए मैं मेरा बोलने का ये है आप लोगों से, मतलब कि आप लोग फर्स्ट टाइम तो 1 to 100 जाओ, बट सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम जब आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो हमेशा क्या करो, 100 से 1 की तरफ आओ, 1 से 100 की तरफ मत जाना, ठीक है, पीछे से स्टार्ट करना, क्लियर, ओके। और क्या प्रॉब्लम होती है, हाँ एक एक और मेजर प्रॉब्लम है, क्या होता है कि लोगों को से मैथ्स पे एक टॉपिक आ गया ना, मतलब से मुझे एक टॉपिक पे बहुत अच्छी कमांड है, से कोई भी टॉपिक मान लो टाइम एंड वर्क, तो क्या होता है मुझे टाइम एंड वर्क से प्यार हो जाता है लिटरली। मैं मतलब जब भी मैथ्स पढ़ने बैठूंगा तो मैं क्या खोलूंगा, एक ही चैप्टर खोलूंगा बार बार, कौन सा चैप्टर, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, उसे ही प्रैक्टिस करता जाऊंगा बार बार, ठीक है। चैप्टर खोला टाइम एंड वर्क और उसे प्रैक्टिस करा, या उससे फायदा क्या होगा एक बात मुझे बताओ, ठीक है, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम एंड वर्क से आने तो 3 ही क्वेश्चन है, चाहे आप से, मैं एग्जाम्पल ही ले रहा हूं कि से 100 में से 3 ही क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के आने हैं, ठीक है। अब आप उस चैप्टर को
पांच बार करो, 50 बार करो या 500 बार करो, आप लोग मैक्सिमम 3 ही नंबर स्कोर कर सकते हो उस पे। ठीक है, अब टाइम एंड वर्क को मैं 20 बार पढ़ दूँ तो एग्जाम्स पे अगर 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो एग्जामिनर मुझे उन 3 क्वेश्चंस पे 6 नंबर तो नहीं देगा ना, उन 3 क्वेश्चन पे मुझे 3 ही नंबर देगा। ठीक है, चाहे मैंने मैथ्स अगर 200 घंटे पढ़ा है और उस 200 घंटे में से मैंने 150 घंटे तो टाइम एंड वर्क ही पढ़ा था। ठीक है, ऐसा नहीं करना, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ, मतलब क्या कहते हैं उसे, डोंट फॉल इन लव विथ वन पर्टिकुलर टॉपिक, उसे बोला जाता है ना कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ प्यार नहीं करना है। ठीक है, अच्छा सारे टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, ओके। और हाँ, इसी के बाद जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है कि आप लोगों ने कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। ठीक है, बच्चे लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, बोलते हैं यार मुझे ना एलजेब्रा बहुत टफ लगता है तो मैं तो एलजेब्रा छोड़ के जाने वाला हूँ, से सपोज कोई भी एक्स वाई जेड ऐसा बोलता है। अब ये लगा लो, मान लेता हूँ कि एग्जाम्स पे बाकी सारे टॉपिक के क्वेश्चंस इतने टफ आए बट एलजेब्रा के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल थे, अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी एलजेब्रा पढ़ा था तो वो एलजेब्रा के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकता था। ठीक है, अब ये बात मुझे तो नहीं पता ना आपको पता है कि एग्जाम्स पे कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आने वाला है। पता चला आप लोगों ने पूरा टाइम टाइम एंड वर्क को दिया था और टाइम एंड वर्क से तो ऐसा खतरनाक क्वेश्चन आया कि आप लोग उसे कर ही नहीं पाए, और बाकी एलजेब्रा जो आप लोगों ने बोला था कि ये टफ है इसे मैं नहीं करूंगा, एलजेब्रा से इतना सिंपल क्वेश्चन आया कि उसे जिसने थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किया था उसने आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो नुकसान तो आप ही लोगों का हुआ ना। ठीक है, और तो बेसिकली मैथ्स पे तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, जिस किसी को भी मैथ्स पे फोबिया है या मैथ्स से डरता है, सिर्फ बेसिक से स्टार्ट करो, सारे टॉपिक कवर करो, किसी एक टॉपिक को बार बार मत करो, सारे टॉपिक को कवर करो, और लास्ट चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। आप लोगों ने कितने बार प्रैक्टिस करा है उसी पे ही डिपेंड करता है कि आप लोग एग्जाम्स पे कैसा परफॉर्म करने वाले हो। ठीक है, अगर प्रैक्टिस किया हुआ है, खाली वीडियो देखा हुआ है, से सपोज मेंसुरेशन के मेरे अगर 12 वीडियो है, आप लोगों ने 12 वीडियो देखे हुए हैं, प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं किया है, और एक एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने मेरा एक भी वीडियो नहीं देखा बट उसने मेंसुरेशन पे अच्छी प्रैक्टिस की है, तो ऑब्वियस ही बात है जो सेकंड स्टूडेंट है वो आप लोगों से ज़्यादा मार्क्स इजीली स्कोर कर लेगा। ठीक है, खाली दिन भर बैठ के वीडियोस देखने से आप लोगों को कुछ फायदा नहीं है जब तक आप लोग उस टॉपिक को प्रैक्टिस नहीं करते हो। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स मैं देखता हूँ। सी मैं मतलब जो मुझे बोलता है ना कि मैथ्स पे फोबिया है, मैथ्स से डर लगता है, तो उन लोगों की ये टेंडेंसी थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, वो लोग ये चीज़ करते हैं, इसलिए क्या होता है। अब ऑब्वियसली बात है, ये सब चीज़ जो मैंने बताई अगर आप लोग यही करते हो तो आप लोग एग्जाम्स पे स्कोर ही नहीं कर पाओगे। अगर एग्जाम्स पे स्कोर नहीं होते, से 100 में से 20 नंबर आते हैं, तो ऑब्वियसली बात है मैथ्स में, मैथ्स से तो फोबिया होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डर कब लगता है, डर एक बार फेल हो जाए तो और ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, तब तो लगता है कि यार ये मेरे बस की ही नहीं। अगर ऐसा आप लोग एटीट्यूड अपने अंदर ला दोगे तो फिर तो वो कोई भी आप लोगों की मदद नहीं कर सकता है। ठीक है, हमेशा हमेशा ये सोचो कि मैंने क्या गलती की थी जिसके कारण से मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो आप लोगों को सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेहनत की है, मैथ्स को टाइम दिया है, तो ऑब्वियसली बात है फोबिया वाला एज सच कुछ भी नहीं है, मैथ्स तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बाकी सारे टॉपिक्स जीके में हिस्ट्री आप लोगों को लिटरली याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स तो याद रखने ही पड़ेंगे, मतलब किस दिन को क्या हुआ था वो सब याद रखने पड़ेंगे, बट मैथ्स इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इसे आप लोग अगर समझ के एक बार बेस से अच्छे से स्ट्रांग बना लोगे तो आप लोगों को मैथ्स पे कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्लियर, तो आप लोग ध्यान रखिए, जो जो बात मैंने आप लोगों को बताई
उस बात को, मतलब जो गलतियां करते हैं और आप लोगों ने वो गलतियां नहीं करनी है, उस बात का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अगर आप लोग इन सब छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखोगे ना, तो धीरे धीरे, सी अब एक ही रात में मिराकल तो हो नहीं सकता। अगर मैं मैथ्स पे कमज़ोर हूँ और ये वीडियो देखूँ और मैं सोच लूँ कि दिमाग पे अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, तब भी मिरेकल नहीं होगा। अगले दिन सुबह उठोगे तो आपको मैथ्स पूरा आएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, बट धीरे 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 4-5 महीने के बाद इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा, ठीक है। उसके बाद जब इम्प्रूवमेंट दिखेगा तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा सब्जेक्ट पे, और जब सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आप लोगों को ईजी लगने लगेगा, क्लियर। तो वो धीरे धीरे करके वो फोबिया आप लोगों का दूर हो जाएगा, मैथ्स पे आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा, और मैथ्स पे इंटरेस्ट अगर डेवलप हो गया तो मैथ्स ऐसा टॉपिक है जिस पे कि आप लोग सेंट आउट ऑफ सेंट इजीली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ओके, होपफुली आप लोगों को इस वीडियो में जो बात मैंने बताई, उस बात को अगर आप लोग रियल अपने जो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो या जो भी गलती कर रहे हो वहां पर इंप्लीमेंट करोगे तो आप लोगों को पक्का से फायदा मिलेगा। ओके, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक पक्का से कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड लोगों को भी बता दीजिए चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी इसे सब्सक्राइब कर सके, और बाकी बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप लोगों को चैनल पे जो भी चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशंस है वो आप लोगों तक पहुंच पाए। क्लियर, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।